आज चूंकि धनतेरस है और खरीदारी का एक विशेष महत्व होता है, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं कानपुर और मेरठ से, और जानेंगे कि किस तरीके का उत्साह धनतेरस को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजारों में रौनक देखने को मिल रहा है और हर तरीके से अगर देखा जाए लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है आज के दिन खरीदारी को लेकर। लोग हर एक चीज को इस शुभ मुहूर्त में खरीदना पसंद करते हैं और धनतेरस को अति उत्तम माना जाता है, तो आज इसको लेकर लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और बाजारों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्या महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी साझा करेंगे। रुक कर लेते हैं मेरठ का, हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से और सुरेश सविता जुड़े हुए हैं कानपुर से। राजू शर्मा आपका रुक करेंगे, अगर देखा जाए चूंकि आज धनतेरस है और धनतेरस में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है खरीदारी को लेकर, लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सोनी, आज धनतेरस का पावन पर्व है और सुबह से ही बाजारों में जो भारी भीड़ है वो ग्राहकों की नजर आ रही है। लोग भारी तादाद में बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि आज के दिन जो ग्राहक जो सोना चांदी या बर्तन की खरीदारी करता है वो शुभ होता है और काफी लंबे समय तक उसको रखने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तो तमाम जो खरीदार है वो बाजारों में पहुंच रहे हैं। बाजार दिखा देता हूँ, बाजार में किस तरह से चहलकदमी नजर आ रही है, भारी भीड़ बाजारों में जुटी हुई है और सुबह से ही बाजारों में जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मेरठ के मल्याना का बाजार है, यहाँ पर सोने की दुकान पर भी सुबह से ही भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। देखिए ग्राहक जो है किस तरीके से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन अगर सोना कोई खरीदता है तो सबसे शुभ सोने की खरीदारी मानी जाती है धनतेरस के दिन। तो देखिए किस तरीके से जो ग्राहक है वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन जो सोना खरीदते हैं उसकी शाम के वक्त पूजा की जाती है। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से जो बिल्कुल बिल्कुल राजू, अगर देखा जाए बाजार तो गुलजार है, लेकिन इसमें क्या कुछ महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, आप बात करिएगा। किस तरीके से ग्राहक पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, कम नजर आ रही है। अच्छा, जिस तरीके धनतेरस है तो ग्राहक तो भारी तादाद में पहुंच रही है, कम है, मजा नहीं आ रहा। ग्राहक है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, आप आज खरीदारी करने के लिए आई है, किस कैसे लग रहा है? हाँ, क्या खरीदना है आज आप बता दो, बता। राजू, आवाज थोड़ी से डिस्कनेक्ट हो रही है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या बाजारों में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। एक बार कानपुर की भी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि धनतेरस के दिन आखिर किस तरीके की रौनक कानपुर शहर में देखने को मिल रही है। कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे, धनतेरस का दिन है और आज के दिन खासतौर पर खरीदारी को लेकर एक उत्सुकता देखने को मिलती है, तो बाजार में किस तरीके की चहलकदमी देखने को मिल रही है? अनम्यूट करिएगा। सुरेश, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए सोनी, सुबह से ही जो ग्राहक है वो खरीदारी कर। राजू, आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। एक बार सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं, कानपुर की तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे। सुरेश, आपका रुख करेंगे, अगर देखा जाए कानपुर में किस तरीके की चहलकदमी देखने को मिल रही है बाजारों में खरीदारी को लेकर, क्योंकि धनतेरस है और धनतेरस के दिन ही खासा उत्साह खरीदारी को लेकर देखने को मिलता है। जी सोनी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूंगा कि आज धनतेरस का पर्व है, आज हम लोग भगवान धनवंशी की पूजा भी बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। और सोनी जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज के दिन लोगों में नए चीजों का लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, लोगों में उत्साह देखा जाता है नई
चीजों को लेने, क्योंकि ऐसा हमारे पूर्वजों ने और बुजुर्गों ने बताया है कि आज के दिन यदि हम लोग कोई भी नई चीज सोनी से लेते हैं तो साल भर ऐसी कृपा ईश्वर की बनी रहती है कि साल भर हम लोग को नई चीजें मिलती रहती हैं। इस समय मौजूद है हम कानपुर की मार्केट में, जहां पर हम आपको दिखाना चाहिए किस तरीके से गणेश प्रतिमा और दुकानों में लोगों ने किस तरीके से सजा के रखा, और यहाँ पर आए हुए सोनी से हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी सुबह से अभी तक कितनी शॉपिंग कर चुके हैं, कितनी करनी बाकी है और क्या क्या अपने परिवार के लोग ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक भैया मौजूद है, हम इनसे भी बात करें। भैया सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या नया ले रहे हैं अपने परिवार के लिए और आज का दिन कैसे? देखिए धनतेरस का पर्व जो है भारत की संस्कृति को दर्शाने वाला पर्व है और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा दिन है आज का, कि हम लोग ये सोचते हैं। सुरेश आवाज नहीं मिल पा रही है, साथ दुर्गेश जी हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर, दुकानदार भी मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? विकास गुप्ता। विकास जी सुबह से लगभग कितनी दुकानदारी और कितने लोग आ रहे हैं? कस्टमर आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं बढ़िया, आ रहे हैं। लगभग भीड़ कितनी भीड़ हो रही है? काफी भीड़ हो रही है। देखिए सोनी जी आपको बता दें कि जो भीड़ का मंदिर है वो अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा अपने दर्शकों की, कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, एक बार गाड़ियां दिखा दी, लोग किस तरीके से हर्षोल्लास साहब अपने घरों से गाड़ियों से निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, बाइक से निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं, तो रोड देखिए बिल्कुल जाम हुई तरफ है। अगर यहीं पर हम बात करें सोनी जी प्रशासन की, तो इस बार जो प्रशासन के इंतजाम है वो चाक चौबंद इंतजाम है। प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर हर चौराहों में नजर रखी हुई है, और मैं बता दूं घुड़सवारी की जो घुड़सवार पुलिस होती है उनकी व्यवस्था भी करती है, आने जाने वाले किसी भी महिला को किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इतने बड़े त्योहार में, क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री अपने योगी जी उन्होंने ये स्पष्ट किया और बयान दिया है कि दीपावली का त्योहार जो अपना सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और किसी को किसी भी प्रकार की समस्या न हो सके। बिल्कुल सुरेश, देखा जाए तो त्योहारों के मद्देनजर आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं, और एक सुरक्षापूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासनिक अमले के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को प्रशासनिक अमला के लिए एक चुनौती के तौर पर भी देखा जाता है कि किसे किस तरीके से उसे निभाएगा। लेकिन इसी बीच अगर आम नागरिक और समाज की बात करें तो त्योहार को लेकर एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है। आज विशेष तौर पर धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है, तो जो स्टॉल लगाए गए हैं बाजारों में या जो दियाली लगाई गई है बाजारों में, तो किस तरीके की खरीदारी देखने को मिल रही है? जी सोनी जी आपको बता दें कि आज सुबह से ही महिलाएं सबसे ज्यादा जो खरीदारी करने निकली हैं, आज घर से महिलाएं निकली हैं और सुबह से ही महिलाओं की भीड़ मार्केट में बराबर निकली हुई है। कोई दियाली ले जा रहा है, कोई भगवान गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा ले जा रहा है, कोई भगवान को सजाने के माला और जो साजो सजावट के सामान है वो ले जा रहा है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई सुंदर सुंदर मालाएं, देखिए मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, कैमरा मैन तक थोड़ा सा पीछे होकर दिखा दे कितनी सुंदर सुंदर मालाएं टंगी हैं, ये सब भगवान को सजाने के कितने सारे सामान सजे हुए हैं। तो आज धनतेरस के इस पावन शुभ दिन में लोग बहुत बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं भारी तादाद में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक चीज सोनी जी चल रही थी कि व्यापारी से ही माल खरीदे, ऑनलाइन शॉपिंग बंद करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कितनी भीड़ देखकर। ठीक है सुरेश, आपका वापस से रुख करेंगे, एक बार मेरठ की तस्वीर दर्शकों के साथ साझा करते हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं, लगातार बाजार में मौजूद हैं। राजू आपका रुख करेंगे, अगर देखा जाए यहां पर खासतौर पर कोई भी त्योहार हो उसके पीछे की एक कहानी होती है, एक संदेश होता है और उत्सुकता चरम पर होती है आम इंसान की, हर एक वर्ग की। यहां पर महिलाओं के देखा जाए खरीदारी को लेकर महिलाओं में थोड़ा सा खास एक खरीदारी को लेकर आकर्षण देखने को मिलता है, तो क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है वो साझा कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आज धनतेरस का दिन है तो लगातार जो है महिलाएं वो सुबह से ही खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रही है और खरीदारी कर रही है। सुबह से ही जो भारी भीड़ है, महिलाओं की चाहे बात हो चाहे पुरुषों की बात हो, लगातार वो सुबह से ही बाजारों में पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर खरीदारी की बात करें तो सबसे ज्यादा खरीदारी सोना चांदी और बर्तनों की हो रही है। साथ ही जो ग्राहक है वो झाड़ू भी खरीद रहे हैं और
चूड़ी भी खरीद रहे हैं और अन्य जो सामान है आर्टिफिशियल वो भी साज सजावट का खरीद रहे हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो ग्राहक है वो बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से खरीदारी करने के लिए जो तमाम ग्राहक है वो पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। राजू, बाजार में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, क्या उनसे आप बात करने की कोशिश आपने की, किस तरीके का उत्साह खरीदारी को लेकर देखने को मिल रहा है? बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, खरीदारी करने के लिए पूछे किस तरह का उत्साह है? खरीदारी करने के लिए आज बाजार में पहुंचे किस तरह का उत्साह है? धनतेरस का दिन है आज, बहुत बढ़िया, बेहतरीन खरीदारी। अच्छा, पहले के अनुमान से ज्यादा ही। राजू, अगर कुछ महिलाएं मौजूद हो तो मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगी। हाँ, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, कैसा लग रहा है खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं? कैसा लग रहा है आपको आज खरीदारी करने के लिए? अच्छा लग रहा है। क्या क्या खरीदने आए आज बाजार में? क्या देख रहे हैं? अच्छा, चूड़ी देख रहे हैं। और क्या क्या खरीदना है बाजार से आज, कपड़े खरीदने? ठीक है बहन जी, आप राजू, फिलहाल अगर कहा जाए तो वाकई काफी रौनक बाजारों में इस वक्त देखने को मिल रही है, लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए सुरेश, सविता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। बाजारों में फिलहाल बाजार गुलजार हैं, चूंकि आज धनतेरस का त्यौहार है और धनतेरस के दिन विशेष तौर पर ये माना जाता है कि खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। सोने से लेकर कपड़ों से लेकर गहनों से लेकर लोग हर चीज़ की खरीदारी करते हैं।